दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका साइज है 30x40, 30x40 फुट में बेहतरीन सा मॉडल मैंने डिजाइन किया है, फिफ्थ पोर्च। और इस मॉडल को अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बनवाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसी मॉडल को डिफाइन करेंगे आज हम ओवरऑल पूरा, और बहुत ही खूबसूरत प्लान कलर कॉम्बिनेशन जो दिया है, व्हाइट और आप पिंक कलर देख पा रहे होंगे, और यही पूरा क्रीम कलर सॉरी, और यही आपका पूरा बेहतरीन सा डिजाइन देखने को मिलेगा। और हमारे सब्सक्राइबर्स को लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसा प्लान दीजिए 30x40 में, जिसमें बेहतरीन सा एक पोर्च बना हो। तो उन्हीं के कहने पर वालों को डिजाइन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो न्यू न्यू मॉडल से मिलते रहते हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। जब भी आप भविष्य में घर बनवाएं तो यहाँ पर एक बार विजिट करें, जिससे आपको नया आइडिया मिल सके, नया लुक मिल सके और आप अपने घर को बनवा सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रंट की, तो ये देखिए फ्रंट है इसका, और मैं जूम करके दिखाता हूँ, उसमें चार पिलर बने हुए जिसमें पूरा पोर्च टिका हुआ है। इसके बाद आपका ये देखिएगा डिजाइन बना हुआ व्हाइट कलर का, और जो पिलर है वो भी आपकी स्टाइलिश और डिजाइनदार बने हुए हैं। इसके बाद दोनों तरफ विंडो है, जो कि दोनों तरफ बेडरूम से प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। मैं बात करें, ये मेन डोर है जहां से आप एंट्री करेंगे, तो स्टेयर्स के माध्यम जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपको पोर्च मिलता है। अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, देखिए ऊपर पोर्च, और यहाँ से मेन एंट्री मिलती है। आप जैसे आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो आपको सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप जैसे यहाँ से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाता है आंगन, बड़ा सा लॉन टाइप का, और इस लॉन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में दो बेडरूम्स मिलते हैं, जो कि काफी बड़े बड़े बेडरूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वही बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो आपको इस कॉर्नर पर एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है, और इसके बाद ये आपका किचन एरिया है दोनों बेडरूम्स के बीच में। और इधर की बात करें तो इधर से आपकी स्टेयर से गई हुई है और टर्न होकर वापस आ गई है, और ये वाले एरिया में आपको बड़ा सा बाथरूम मैंने दिया है। बाथरूम इसलिए दिया है क्योंकि जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारी चीजें यूज होती है। तो ये अगर घर की बात करें तो तीन बेडरूम्स मिलते हैं, जो कि काफी बड़े हैं, किचन है और आपका लेट बाथ, स्टेयर, साथ ही साथ पोर्च का डिजाइन भी देखने को मिलता है। मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे आपको बेहतरीन सा डिजाइन का इसका पूरा लुक समझ में आ जाए कि डिजाइन बना कैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं विंडो का भी डिजाइन, साथ साथ पोर्च का डिजाइन और पिलर का डिजाइन, जो कि बेहतरीन सा आपको देखने को मिलेगा। इसी मॉडल को एक डिमांड किया था हमारे सब्सक्राइबर ने, तो उन्हीं के कहने पर मैंने बनाया है। और दोनों देखिएगा, अगर बात करें बेडरूम्स की, दोनों में अलग अलग एंट्री है, एक में विंडो है, एक में विंडो नहीं है। वैसा अगर इधर बात करें तो वैसा ही प्लान मिलता है। अगर आपके पास चारों तरफ जगह है तो आप चारों तरफ विंडो यहाँ लगवा लीजिए, तो आपके घर का प्रॉपर और वेंटिलेशन होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर जाल रखवाना होगा। तो ये पूरा डिजाइन था ग्राउंड फ्लोर की बात करें। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट या लास्ट की बात करें तो वही आपको सिमिलर मिलता है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, और उसमें ये देखिए ग्रिल का जो कॉम्बिनेशन दिया है, ये आपके छोटे छोटे पिलर आते हैं वो वहां पर गिलर बनाई गई, उससे गिलर बनाई गई है, और ये आपकी खूबसूरत ग्रिल लगती है जिससे को मैंने डिजाइन किया है। तो ये पूरा 1200 स्क्वायर फीट में बेहतरीन सा मॉडल 3 बेडरूम्स बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर आपके पास भी जगह 1200 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स है तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने घर पे बनवा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, किसी का डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।